Hello friends, this is Dr. Yaseen, Y2K MantrA, Education Channel पे आपका स्वागत है. ये भारत का नया मंत्र है. मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपने यहाँ पे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है. मैं यहाँ पे आपको इस चैनल के ऊपर हर एक चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, एग्जामिनेशन के रिलेटेड और जितने भी मोटिवेशनल टॉक है यहाँ पे, जितनी भी कोरोना जैसी बीमारियों को किस तरह से लड़े, किस तरह से मोटिवेट हो और एग्जामिनेशंस, फॉर्म्स, रिजल्ट्स, ऐसी सारी खबरें, जॉब्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल पे लेके आया हूँ. तो इस चैनल पे आप सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब कीजिए. आज सबसे बड़ा टॉपिक एग्जामिनेशन के रिलेटेड सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं आपको बताने जा रहा हूँ. तो आइए शुरू करते हैं. जी हाँ दोस्तों, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन की डेट एक्सटेंड हो चुकी है. फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंड हो चुकी है. जहाँ पे 15 जून उसका लास्ट डेट था, तो यहाँ पे सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने उसका डेट 5 दिन एक्सटेंड कर दिया है, 20 जून कर दिया है. जो एग्जामिनेशन का जो लास्ट डेट 20 जून था, उसको 25 जून कर दिया गया है. तो इस तरह से यहाँ पे एग्जामिनेशन की डेट भी बढ़ गई है फॉर्म भरने की. तो यहाँ पे आपको जो है काफ़ी सारी दिक्कतें आ रहे हैं. बहुत सारे स्टूडेंट की मैसेजेस ये आ रहे हैं कि सर फीस पेंडिंग बता रहा है, अप्रूवल नहीं हो रहा है कॉलेजेस से, क्योंकि कॉलेज की फीस भरी नहीं है. तो इस मामले में यूनिवर्सिटी का क्या रोल होगा, जहाँ पे हमारे उदय सावंत सर जी ने हमको ये बताया था कि कॉलेजेस की फीस आपको जो है इस बारी के लिए थोड़ा सा इनको एक्सक्यूज देना है, आपको जो है उनको मदद देना है, उनको थोड़ा सा टाइम देना है भरने के लिए, लेकिन उनके एग्जामिनेशन को आप रोक नहीं सकते. लेकिन काफ़ी सारे कॉलेजेस जो है इसके ऊपर जो है थाम बैठे हैं. वो बोल रहे हैं बच्चों को, जब तक कि आप फीस नहीं भरेंगे, जब तक कि आपके फॉर्म्स भरे नहीं जाएंगे. तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी समस्या है स्टूडेंट्स के लिए. कोई कोई कॉलेजेस ने कसम खा ली है कि हम उनको एडमिशन्स की जो एग्जामिनेशन की फॉर्म की भरने के लिए परमिशन नहीं देंगे. तो यहाँ पे क्या यूनिवर्सिटी का क्या रोल होता है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है. अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से स्टूडेंट्स की अलग अलग जो है क्यूरीज आ रही है, जहाँ पे कॉपी केस के लिए उन्होंने इतनी सारी कमिटी बिठाई है, वैसे ही कुछ कॉलेजेस को एक हैंडल करने के लिए भी यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे कुछ कमिटी बिठाना ज़रूरी है. मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे आप एग्जामिनेशन के फॉर्म भरना है, किस तरह से रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं और किस तरह से आपको जो है यहाँ पे आगे की जानकारी मिलेगी. विंटर सेमेस्टर होने के बाद समर सेमेस्टर की आपको यहाँ पे पूरी जानकारी दूंगा. इसके लिए आपको मेरे चैनल पे बने रहना है, सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.